गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आजकल मेरी वीडियोस बन रही हैं लाइव व्लॉगिंग, तो मैं अभी बना रही हूँ बेसन का चीला। अभी ना आज ब्रेकफास्ट में तो मैंने वो बनाया ओट्स का चीला। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ आज डाइट कर लेती हूँ थोड़ी सी, बहुत तो ज़्यादा मैं कर नहीं पाती, पर चलो जितनी भी कर रही हूँ आज। तो मैंने पहले बनाया था ओट्स का चीला, वो मैंने ब्रेकफास्ट में खा लिया। अभी 11 बजने वाले हैं, तो मैं दोपहर के लिए भी ना ये बेसन का चीला बना रही हूँ। तो मैं ना ये अभी बना के रख देती हूँ, फिर रह जाता है नहीं तो, और फिर एकदम भूख लगती है ना, तो फिर फटाफट जो भी पराठा वराठा बना होता है फिर वो खा देती हूँ। इसलिए है कि बना हुआ होगा तो फिर मैं डाइट फूड ही खाऊँगी, इसलिए मैं ये बना रही हूँ बेसन का चीला। इसमें मैं अभी ये प्याज काट रही हूँ, अभी इसमें प्याज डालूँगी। और ये मेरे कॉर्न थे, थोड़े से कॉर्न बचे हुए थे, ये भी मुझे ख़त्म करने हैं आज, तो इसको कॉर्न को भी इसमें डाल दूँगी, प्याज डालूँगी। नहीं तो ना मोस्ट ऑफ द टाइम आई विड यूज़ शिमला मिर्च, मैं शिमला मिर्च डालती हूँ और प्याज डालती हूँ। और ना चीले वीले में ना मेरे को हींग बहुत पसंद है, हींग से अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसको ना सरसों के तेल में बनाती हूँ मैं, तो मस्टर्ड ऑयल का मुझे एक टेस्ट आता है। अभी मैंने तवे को ना हल्के सेक पे रख दिया है, वो गर्म हो रहा है, तब तक मैं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तब तक मैं ये कर रही हूँ प्याज काटने। थोड़ी सी ना मैंने उसमें ओट्स का जो चीला बनाया था ना अभी, उसमें मेथी की सब्जी बनाई थी, तो थोड़ी सी मेथी की सब्जी एक चम्मच बची हुई थी, तो मैंने उसमें वो भी बना लिया, मतलब मिला लिया, तो बहुत ही टेस्टी बना था। इसमें ना अभी मिलाती हूँ सामान, चलो आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या मिला रही हूँ। तो ये मैं थोड़ी सी अजवाइन मिला रही हूँ इसमें, ये थोड़ी सी मिर्च मिला दूंगी, हल्की सी हल्दी मिलाऊंगी, थोड़ा सा गरम मसाला मिलाऊंगी और नमक ना मैं ये सेंधा नमक है ये यूज करती हूँ। ये हींग पाउडर है, हींग पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको ऐड करूंगी। थोड़ा सा ये मैंने भुना हुआ जीरा ना मिक्स करके भून के रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको डाल देती हूँ। ये ना कलौंजी ही होता है शायद, ब्लैक कलर के छोटे छोटे तिल जैसा होता है ना, वो भी सही रहता है। तो एक ना वो तिल की, काले तिल की जैसी होती है कलौंजी, वो भी बहुत सही रहती है, कलौंजी बोलते हैं उसको, है ना। चिरौंजी तो एक ड्राई फ्रूट होता है शायद, चिरौंजी होता है कलौंजी, मैं बहुत कंफ्यूज करती हूँ दोनों में। बेसन का चीला बन रहा है अभी। आज जो मेरा इसमें डाइट प्लान रहेगा ना सुबह सुबह, वो मैंने वो क्या बोलते हैं चिया सीड्स, उसका पानी जो मैंने भिगो दिया अभी वो पीऊँगी, सुबह ही पीना था, वो सुबह तो मैंने पिया है, वो जब भी प्यास लगेगी वो पी लूँगी। ओट्स का चीला खाया दोपहर में, फिर 12 बजे के आसपास एप्पल रखा हुआ है, एक एप्पल खाऊँगी, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, एप्पल रखा है तो मैं एप्पल खा लूँगी। और उसके बाद लंच में मैं ये लूँगी बेसन का चीला, शाम को चीले के बाद में, फिर लंच के आधे घंटे बाद में ग्रीन टी ज़रूर पीना है, तो ग्रीन टी पीऊँगी। फिर उसके बाद में चाय लूँगी, चाय के साथ मैंने मुरमुरा जो है रखा हुआ है वो खाऊँगी।
फिर डिनर में अभी इसको पहले ये देखो मैंने तैयार कर लिया इसको डालते हैं। दिखाई देना है अभी मैं बैक कैमरे से करके दिखाती हूँ। अब ये ना हल्के हल्के सेक पे पकता रहेगा, इसको ना टाइम लगता है पकने में ना पकने में लगता है। जब तक इसको पकने में टाइम लग रहा है ना तो तब तक मैं ये मिक्स दाल है ये मेरे को बनानी है, तब तक मैं इसको साफ सुथर करके रख लेती हूँ। किचन में पता है मल्टी टास्किंग हो जाता है, एक ही बार में घुसो तो ये काम वो काम काम करते हो। ये मिक्स दाल साफ कर ली मैंने, इसको भी धोऊंगी नहीं, इसको भी रख देती हूँ। अरे कोई भी दाल वाल सब्जी भी कुछ भी बाहर से लाओ ना तो वैसे तो साफ होती है, फिर भी एक बार ही जरूर साफ कर लेना चाहिए। लिफ्ट ऊपर आ रही है, बेल बजेगी ना तो मेरी वो मेड होगी तो फिर मैं बंद कर दूंगी वीडियो, फिर इसको अपलोड कर दूंगी, फिर आगे की वीडियो फिर बाद में शूट करेंगे। ठीक है, अब अगर बेल बजेगी तो फिर मैं रख दूंगी। Take care.